हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ फिरोज़ खान। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक में वेलकम करता हूँ। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि आर्टिकल्स हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ पर हमारे से गलतियाँ होती है, वो हमारा पार्ट वन था। इस पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू जनरलाइज द आर्टिकल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्लूरल नाउन भी होते हैं लेकिन उसमें आर्टिकल्स यूज़ कर जाते हैं, हालांकि वहाँ पर हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत बार जब आप किसी नाउन को जनरलाइज करते हैं, जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, उस वक्त में हम उसको आर्टिकल ड्रॉप करते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। और वो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमारे मेंटेलिटी होती है कि हमको नाउन दिखा कि हम आर्टिकल यूज करते हैं, जबकि वहां पर नो आर्टिकल का ऑप्शन आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से गलतियां करते हैं जनरलाइजेशन ऑफ नाउन के अंदर। जनरलाइजेशन, टॉकिंग इन जनरल। वेन यू टॉक इन जनरल विद ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज के बारे में जनरल सेंस में बात करते हैं, वो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, उस टाइम में हम आर्टिकल को ड्रॉप करते हैं। वी डू नॉट यूज द विथ अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन्स टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। मतलब अगर अनकाउंटेबल नाउन भी रहा या प्लूरल नाउन भी रहा, उस टाइम में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे जब आप जनरल सेंस में बात करते हैं। जैसे सेब, मैं सेब खाता हूं, ठीक है, आई ईट एप्पल, और या मुझे सेब पसंद है, आई लाइक एप्पल, जनरल सेंस, नॉट आई लाइक एन एप्पल, बट गिव मी दैट एप्पल विच इज ऑन द टेबल, मुझे वो सेब दो जो टेबल पर है, क्योंकि दैट्स अ पर्टिकुलर द एप्पल और एन एप्पल, राइट, बट आई लाइक एप्पल इज दैट्स अ जनरल सेंस, सो दैट्स वाई वहां पर हम आर्टिकल नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर वन, बुक्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है, यहां पर आर्टिकल यूज नहीं, बिकॉज दिस इज अ प्लूरल नाउन, और नॉर्मली एज रूल होता है कि प्लूरल नाउन के पास में हम आर्टिकल द लेते हैं, लेकिन यहां पर नहीं होगा, बिकॉज बुक्स आर एक्सपेंसिव, किताबें महंगी है। अब जनरल बात है कि कोई भी किताबें आप लेंगे वो महंगी रहेगी, बट सेम एग्जाम्पल, लुक एट दैट बुक्स ऑन द टेबल, लुक एट दैट बुक्स ऑन द टेबल, मतलब वो टेबल पर जो किताबें रखी है वो पर्टिकुलर बुक्स हो गई, इसके लिए यहाँ पर अपन ने बुक्स के आगे यहाँ पर आर्टिकल द यूज किए, दीज आर नॉट जनरल बुक्स बट दिस इज जनरल, ठीक है, यहाँ पर भी बुक्स है, यहाँ पर भी बुक्स है, यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर नहीं है। सो सेंटेंस इज इट सेल्फ, सेंटेंस खुद ही बताता है कि आपको आर्टिकल लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। इस सेंस में अगर यहाँ पर ड्रॉप किया तो क्योंकि सेंटेंस बता रहा है ऑन द टेबल, यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पर समझ रहा है आर एक्सपेंसिव, यहाँ पर कुछ ही नहीं है, सिंपल है, और एक्सपेंसिव, फिर यहाँ पर दिया द बुक्स, बुक्स, सो सीधी सी बात है द बुक्स तो होगा नहीं, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बता रहा, सिर्फ और एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पर बुक्स आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, जिंदगी बहुत पेचीदा है, परेशानियों से भरी है, सिंपल, कोई पर्टिकुलर लाइफ नहीं है, बस जिंदगी जनरल बात है, लेकिन आई एम स्टडिंग द लाइफ ऑफ गांधी जी, अब यहाँ पर मैं स्टडी कर रहा हूँ जिंदगी की, कौन सी जिंदगी की, किसकी जिंदगी की, गांधी जी की, इट मीन्स दिस इज अ पर्टिकुलर लाइफ। तो वेन यू यूज द नाउन्स इन अ पर्टिकुलर सेंस वी यूज आर्टिकल्स, वेन यू यूज और वेन यू जनरलाइज और वेन यू से समथिंग इन अ जनरल सेंस ऑफ नाउन वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर दैम, उनके पहले हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है आई लव बटर, जनरल सेंस है, मुझे बटर पसंद है, बट वेयर इज द बटर, बटर कहाँ है, द बटर पर्टिकुलर हो गया, मतलब मैंने यहाँ रखकर गया था, वो बटर किधर है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आऊंगा, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बाद हम। फ्रेंड्स, अब इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि स्कूल गिव्स अस एजुकेशन, स्कूल हमें एजुकेशन देती है, मतलब एक जनरल सेंस है, कोई भी स्कूल में आप जाएंगे वहाँ आपको एजुकेशन ही मिलेगा, बट दिस इज द स्कूल वेयर आई गॉट एजुकेशन, जब मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज द स्कूल वेयर आई गॉट एजुकेशन, मतलब ये एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में हो गया, सब स्कूलों के बारे में नहीं होगा, ये पर्टिकुलर है, बट ये जनरल है, आप जनरल सेंस जब कभी भी स्कूल के बारे में बात करेंगे उस टाइम में ये जो रहेगा स्कूल सिर्फ एजुकेशन देने का ही काम करेगा। तो इन दिस वे यहाँ पर भी आर्टिकल ड्रॉप है, जनरलाइजेशन ऑफ नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल है, ये पर्टिकुलर है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल इस सेंस में हम देखते हैं, वाटर इज नेसेसरी फॉर अस, पानी जनरल सेंस है, पानी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, बट डोंट यूज द डर्टी वाटर,
डोंट यूज द डर्टी वाटर, यहाँ पर हमने आर्टिकल वाटर के लिए द यूज़ किए, पानी मत यूज करो, कौन सा डर्टी, यानी एक पर्टिकुलर हो गया। तो जब आप जनरल सेंस में किसी नाउन को यूज करते हैं, वी ड्रॉप द आर्टिकल्स, ठीक है, उस टाइम में द आर्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी दूसरे सेंस में हम इसको लेते हैं, पर्टिकुलर सेंस में, उस टाइम में हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। दिस इज वॉट वी कॉल जनरलाइजेशन ऑफ नाउन। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स से जनरलाइजेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अभी हमने देखे इसके पहले जो नाउन्स थे वो अनकाउंटेबल थे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जनरलाइजेशन कैसा होता है। समटाइम्स वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल यूजिंग द विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को जो यूज़ करते हैं उसके पहले ऑलरेडी हम द आर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमने अभी तक ये पढ़ा कि द आर्टिकल एक ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए जिसको पूरी दुनिया पहचानती है, ऐसा नहीं होता है। टू सम एन एक्सटेंट कुछ कॉन्टेक्स्ट में ठीक है वो हो भी जाए कि एक पर्टिकुलर एक चीज़ है आप उसके पहले द लगा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक कॉमन चीज़ भी होती है उसके आगे भी आप द लगा सकते हैं, लेकिन कब, वो जब डेफिनेट हो, जो सुनने वाला है उसको पता हो। इसके बारे में हम आने वाला जो हमारा वीडियो है उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि द कहाँ यूज़ करना चाहिए, इवन कॉमन चीज़ के साथ में भी। तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं आप द। दिस इज कॉमन विद द नेम्स ऑफ, दिस इज कॉमन विद द नेम्स ऑफ, ये ख्याल में रखिए। कॉमन आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं द सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके साथ में, इन्वेंशंस, जो इन्वेंशंस रहेंगे उसके साथ में, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जो बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके साथ में। ऑलरेडी जब आप जनरलाइजेशन में यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन को, आप दो आर्टिकल लगा देते हैं, वो जनरलाइजेशन कहलाएगा। इसके अंदर कोई और दूसरे रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर वन, द वायलिन इज मोर डिफिकल्ट देन द ट्रम्पेट। एज यू कैन सी यहाँ पर देख सकते हैं, वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड ट्रम्पेट इज ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर ऐसे ये ड्रॉप हो जाए यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आप आर्टिकल यूज अ प्रॉपर आर्टिकल, अब आप समझिए वायलिन सिंगुलर नाउन, देन यू कैन यूज हियर ए, वायलिन इज मोर डिफिकल्ट देन अ ट्रम्पेट, लेकिन इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ जनरलाइजेशन ऑफ नाउन। आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं, और हमने देखा है कि हम जब जनरलाइजेशन करते हैं तो हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ में द लगाते हैं। सिमिलरली डू यू यूज द टेलीफोन, द टेलीफोन नॉट अ टेलीफोन, व्हाई, बिकॉज टेलीफोन इज एन इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन। सो द रूल सेज, रूल कहता है कि आपको इसके पहले द ही लगाना है, आप यहाँ पर अ नहीं लगा सकते। अगर आपने यहाँ पर अ लेकर डू यू यूज अ टेलीफोन, देन इट विल इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। सो जस्ट कीप इन योर माइंड के वेन यू जनरलाइज ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, पर्टिकुलरली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेंशंस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनके साथ में आप आर्टिकल द ही यूज कीजिए। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, और आपको आने वाले वक्त में हमारे जो अगले सीरीज चलेंगे आर्टिकल सीरीज, इसके अंदर जो जो गलतियाँ होती है, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज़ करना चाहिए, आपको उसके अंदर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। फॉर दैट रीज़न ऑनली जस्ट क्लिक द बेल आइकन एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।